एक आंवला रोज खाने से पूरी सर्दियों के लिए हो जाएगा आपका इंश्योरेंस। जहां लोग सर्दियों में तरह तरह की पिन्निया, लड्डू, महंगी ताकत वाली चीजें बना बना के खाते हैं, वहीं उनका वजन बढ़ता है, 100% उनका वजन बढ़ता है, उनके शरीर में आलस आता है, सुस्ती आती है। लेकिन आंवला अगर खाएंगे तो पूरी सर्दियां आपको ताकतवर भी रखेगा, आपको मजबूत रखेगा, बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी, बॉडी एक्टिव रहेगी, चुस्त रहेगी, डायनेमिक आप रहेंगे और बड़ी सारी बीमारियों से बचाएगा एक आंवला आपको रोज। ये बॉडी को डिटॉक्स करता है। जहां च्यवनप्राश का रेट बड़े तेजी से बढ़ता जा रहा है, 400-500 रुपए किलो च्यवनप्राश होता है, बस आप एक आंवला ही डेली ग्रेट करके या तो सब्जी दाल में डाल दें या एक आंवले का मुरब्बा बना के खा लें। इसका मुरब्बा बनाना भी बड़ा आसान होता है, बस केवल आंवले लेके आए बाजार से, 1 किलो जैसे आंवले लाए तो उनको फ्रीजर में रख दिया, पॉलिथीन में बांध के फ्रीजर में रख दिया, फिर 3 दिन के बाद फ्रीजर में से निकाल दिया, वो अपने आप ही फट जाएंगे। तो उसके बाद उनको बस चाशनी में डाल सकते हैं, देसी खान की चाशनी बना के डाल सकते हैं, आंवले का मुरब्बा तैयार हो गया, 3 दिन के बाद आप उसे खा सकते हैं। ऐसे उसका भी एक आंवला डेली ले सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, जो आंवले का मुरब्बा खाएगा वही निरोगी रहेगा, नहीं तो डेली एक आंवला ही ग्रेट करके सब्जी दाल में डाल दें, उसे बड़ा फायदा रहेगा। और वैसे आंवले का रस भी आता है, आंवले का रस डेली जब भी सुबह उठ के पानी पीते हैं तो तुलसी का अर्क ले लें, आंवले के रस की 1 चम्मच ले लें, उससे भी पूरी सर्दियां फिट रहेंगे। ये दुनिया का नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट है। जब भी दुनिया में कोई एंटीऑक्सीडेंट बना है, ये सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट है। तो बाकी इसके अंदर तो विटामिन सी, विटामिन ए और अनेकों खनिज तत्वों का भंडार है आंवला। इसकी बराबरी कोई फल कर नहीं सकता दुनिया में। इसलिए आंवले एक ऐसी चीज है जो कच्चा भी खा सकते हैं, पकाओ भी खा सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम कोई भी, कभी भी खा सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान कोई भी खा सकते हैं। जो आंवला खाएगा वही निरोगी रहेगा।